नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। आपको बता दें चले कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है और साफ तौर पर सवाल पूछा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको लेकर जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बात की, तो उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। देखिए, आत्मसम्मान का मतलब उनको समझना है। आत्मसम्मान नीतीश जी नहीं खोए हैं, आत्मसम्मान तो श्रीमान लालू जी खोए, इसलिए कि बिहार को विकास से दूर रखा, बिहार के साथ धोखा दिया और हमेशा जिस प्रकार से बातें उन्होंने की वह सिर्फ परिवार और परिवार के लिए ही रहा, बिहार के लिए नहीं रहा, बिहार के गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए नहीं रहा, इसलिए आत्मसम्मान नीतीश जी ने नहीं खोया है, लालू जी ने खोया। देखिए, तेजस्वी जी को चुनाव जिताने के लिए भी जानबूझ के चिराग जी ने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कट सके और उनको मदद हो सके। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हम अपने चार दलों के साथ मिलकर के 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जिसको दिवा स्वप्न देखना है उसको कोई रोक नहीं है, बिना कोई बजट के हर कार्य में वो दिवा स्वप्न देखते हैं, बिना किसी सोच समझ के बात करते हैं, और ऐसे जिनको सत्ता से जनता ने नकार दिया है वो कुछ भी कह सकते हैं। लालू जी ने फिर से जेल से ट्वीट किया है पलटू राम कह के और अन्य संबोधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है। क्या कहा? लालू जी को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। उनके दोनों बच्चों ने ऐसा क्या किया कि माननीय नीतीश जी को साथ छोड़ना पड़ा, इसका जवाब उनको अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि उनके 15 साल का जो शासन था उसको देखकर भी इन बच्चों ने सबक क्यों नहीं सीखा, और नीतीश जी के यहाँ जा कर के भी ये दोनों बच्चे वही शासन की पुनरावृत्ति क्यों कर रहे थे, यह लालू जी को अपने बच्चों से पूछना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है सर कि 29 सीटें जेडीयू से ज़्यादा आएंगे, क्या कहना है उसको? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, सोच में किसी की भी रोक नहीं। तो आपने सुना दोनों नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि आत्मसम्मान सबसे पहले लालू जी ने अपनी खोई है, नीतीश जी ने कुछ भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया है। वहीं संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव को अपने बेटों का ख्याल रखना चाहिए। क्यों उन्होंने, नीतीश कुमार ने उनके दोनों बेटाओं को छोड़कर फिर से NDA के साथ गठबंधन किया था। और तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेते।